जानकारी स्टार्ट करते हैं अगेन। लोहा घाट के
प्रमुख मंदिर व पर्यटक स्थान ऋषेश्वर महादेव मंदिर, मानेश्वर मंदिर, हरेश्वर मंदिर। मानेश्वर मंदिर के बारे में आपको कुछ शेयर करना चाहूँगा। मानेश्वर मंदिर को चंपावत जनपद का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। मानेश्वर मंदिर का निर्माण चंद राजवंश के राजा निर्भय चंद्र ने 12वीं सदी में करवाया था। यह मंदिर चंपावत शहर से 7 किलोमीटर दूर लोहाघाट में स्थित है। यहाँ प्रत्येक वर्ष फागुन मास की शुक्ल पक्ष एकादशी में माना जाता है कि गुप्त नोली जलधारा को कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने पांडवों के अज्ञातवास के दौरान पिता पांडु की श्राद्ध तिथि फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ती है। उसी समय वो लोहाघाट के इसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। यहाँ पानी का अभाव था और माता कुंती ने मानसरोवर के जल से श्राद्ध करने की इच्छा व्यक्त की, जिस कारण युधिष्ठिर के आदेश पर अर्जुन ने धरती पर एक बाण चलाकर गुप्त नोली जलधारा का निर्माण किया। तत्पश्चात उस स्थान पर एकादशी के दिन शिवलिंग की स्थापना कर वहां पूजा अर्चना की और उसके बाद फरवरी के महीने में यहां प्रतिवर्ष मानेश्वर मेला लगता है। मानेश्वर मंदिर के दर्शन करने से मन वांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं व गुप्त नोली के जल से स्नान करने से लाभ मिलता है। कहीं रोग व विकार दूर हो जाते हैं। इसी मंदिर के ठीक सामने क्रांतिश्वर मंदिर है, जो भगवान विष्णु कुर्म अवतार की तपस्थली कहा जाता है। समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने वहीं तपस्या की थी। नगीना पहुंच के यहाँ पे हमने लंच किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। रास्ते पे जाते हुए मम्मी ने सुबह सुबह हमारे लिए खाना पैक कर दिया था, जिससे हमें कोई परेशानी ना हो। और देखिए गाइस, यहाँ पे हम पूरी, चटनी, आलू की सब्जी और दही खा रहे हैं।
गाइस यहाँ पे घूमने आए हैं। आइए जल्दी आओ। चलो कैसे ऊपर कर दो भाई, काम कर नीचे कर दो। अब गाड़ी आती है ना। कौन गाँव में चला गया आपको? फाइनली गाइस हम लोहागाट के गांव पंचवेश्वर विलेज में स्टे किया। यहां जीजा जी की मौसी जी का घर है। हेलो गाइस, और बोलो बोलो और क्या बोलना है? हेलो गाइस, हम यहां गांव में आए हैं और आज हम एक दिन के लिए रुकेंगे यहां। गाइस हम कहां पे आए हैं? गाइस हम गांव में आए हैं, लोहागाट। लोहागाट नहीं, इतना भी बताइए कहां पे आए हैं? हां भैया बताओ। अरे ज्यादा तेज मत भागो, चोट लग जाएगी आपके। हम ठंडा है ना, ठंडा हो रहा है ना, गर्मी में ठंडा ठंडा लग रहा है ना। यस यस यस, चोट लगी चोट लगी ना, बोल के क्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों यहाँ गांव में आके एक अलग मज़ा आता है और दरवाज़ों की बनावटें इतनी सुंदर है, इनको बार बार देखने का मन करता है। यही छोटी छोटी चीज़ें बार बार गांव बुलाती है और लंबे टाइम के लिए रहने का मन करता है। यहाँ के सुंदर सुंदर वृक्ष एक अलग ही छटा बिखेरते हैं। लेकिन नींबू पेड़ है, छोटे छोटे आ रहे ना, गुच्छे गुच्छे में आते नींबू यहाँ पे। एक दिन रेस्ट करने के बाद हमको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलना था। मन नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, पर हमें आपको और भी अच्छे व्यू दिखाने थे और आप ज़रूर कुमाऊँ पहाड़ का ज़रूर दौरा करना। आपको यह क्षेत्र बहुत ही अच्छा लगेगा। गाँव में घर ऐसे होते थे। और अब हम यहाँ गांव से निकल के पहाड़
चढ़ने लगे और नाव्या ने भी हमारे साथ पहाड़ चढ़ते हुए यहाँ जीजा जी, दीदी, अनुराधा, आयुष, अनन्या सब पहाड़ चढ़ते हुए। आयुष तो बहुत एक्टिव था और वो पहले ही अपने टारगेट तक पहुंच गया और नब्बू पहाड़ चढ़ते हुए फोटोस में आ गए, फोटो फ्रेम में आ गए। कब हो जाए, अभी तो बहुत टाइम है, हो गया इतना ही देर? रात ज़्यादा क्यों लग रहा था, रात ज़्यादा लग रहा था ना पहाड़। ना ना गोदी क्या चलोगी? अरे आज इतना फास्ट प्रोसेस करता है। नब्बू जाते हुए, नब्बू क्या कर रहे हो? नब्बू कौन सा मंदिर में आए हो? जय माता दी। अरे वाह सुंदर व्यू, देखिए गाइस इस पॉइंट से यहाँ का दृश्य कितना सुंदर लगता है। मंदिर बड़ा ही सुंदर और पहाड़ तो अलग ही आनंद दे रहे हैं। वाह क्या मंदिर से निकल के हम अपने नए डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। वहाँ हम यहाँ गुरना माता मंदिर में पहुँच कर हमने माता रानी का आशीर्वाद लिया और आगे डेस्टिनेशन के लिए रवाना हुए। तो 100% बैटरी रहेगी मेरी।